जी, आज के जो टूल्स हैं स्केल, शियर, रीशेप, एस इसकी शॉर्टकट की है, और स्केल अलाउ करता है रिसाइज, शियर यूज करते हैं स्लांट करने के लिए, या से स्क्यू भी बोलते हैं, और ये अलोंग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आप इसको कर सकते हो। ये आपके पास स्केल, और स्केल में ये इसका डायलॉग बॉक्स जिसमें आपके पास ऑप्शन है कि आपने उसको यूनिफॉर्मली स्केल करना है या नॉन यूनिफॉर्मली स्केल करना है। प्लस इसके कॉर्नर्स को भी ऑब्जेक्ट जैसे स्केल अप हो, कॉर्नर्स भी आपके उसी मॉड में राउंड करें, और इसी तरह अगर उसके स्ट्रोक्स को भी उतना वेट उसका बढ़ा दें या कम कर दें या इफेक्ट्स के हवाले से। तो ये स्केल क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट अपना ड्रॉ कर लो, और इसको यूज करते हुए आप इसमें भी पिवट पॉइंट का रोल वैसे ही इंपॉर्टेंट है जैसे रोटेट और दूसरा आपने रिफ्लेक्ट भी किया था, तो यहाँ पे भी ऑल्ट का वही रोल होगा। तो इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ये आपके पास ऑब्जेक्ट जो भी आपने ड्रॉ करना है, और अगर आप इसको स्केल करना चाहो तो स्केल टूल मौजूद है यहाँ पे, ये जी स्केल, इसको आप ड्रैग आउट कर लें, तीन ऑप्शंस हैं इसके अंदर। ये आपको अलाउ करता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को रेलेवेंट टू पिवट आप इसको स्केल कर सको। तो आज की जो ऑप्शंस हैं वो आपके पास स्केल है, शियर है और रीशेप है, ये तीन ऑप्शंस हैं जो कि आप यहाँ पे क्लिक करने पे स्केल टूल एस के साथ आपको अवेलेबल हो जाती है, और ये है जिसका पिवट पॉइंट आपका सेंटर में दिख रहा होगा, ये पिवट पॉइंट होता है, और पिवट पॉइंट को आप मूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑल्ट। ठीक है, आप ऑल्ट के साथ इसको मूव कर सकते हो। अभी फिलहाल ये मैं सेंटर में रखता हूँ, और ये आपके पास स्केल टूल, और स्केल टूल पे अगर आप डबल क्लिक करो तो ये स्केल के नाम से आपके पास बॉक्स भी आ जाता है। अब आपने इसको स्केल करना है, यूनिफॉर्म करना है। यूनिफॉर्म का मतलब है अगर हॉरिजॉन्टली आपका स्केल बढ़ेगा तो वर्टिकल भी बढ़ेगा। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि अगर आप चाहो हॉरिजॉन्टल का स्केल कुछ और वर्टिकल का स्केल कुछ भी रख सकते हैं। अगर आप यूनिफॉर्म करते हो और यूनिफॉर्म के साथ आप इसके कॉर्नर्स को भी अगर आप करना चाह रहे हो एडजस्ट एज वेल एज इसके विड्थ, अगर आप स्ट्रोक की इस वक्त विड्थ देखो तो साइड के ऊपर आपको 1 पॉइंट यहाँ पे नजर भी आ रहा है, तो ये अगर आप इसे कॉर्नर्स को राउंड करोगे तो ये कॉर्नर्स को भी उस हिसाब से राउंड करेगा, बड़े होने पे बड़ा करेगा, छोटे होने पे छोटा करेगा। अगर ये ना किया जाए तो राउंड करने के बाद अगर उसको छोटा करेंगे तो वो आपकी शेप खराब हो जाएगी, बड़ा करेंगे तो वैसा नजर नहीं आएगा। तो ये दो ऑप्शंस आप स्केल के साथ ऑन आप कर सकते हैं अगर आप जरूरत समझो तो। फिलहाल मैं इसको फोकस नहीं कर रहा, अभी मैं जस्ट ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहा हूँ। इस पॉइंट के अराउंड हॉरिजॉन्टल भी जो कि ये वाइड है, वर्टिकल जो कि हाइट में है, 100% इंक्रीज अगर आपने 100% ही रख दिया, और अगर आपने ओके किया तो सेम यहाँ पे आपका इसी ऑब्जेक्ट में अप्लाई हो जाएगा जो नई वैल्यूज, जैसे मैं कर देता हूँ 200 यूनिफॉर्म अगर, तो आप ओके करोगे तो इसी ऑब्जेक्ट को नए साइज में ले आएगा, लेकिन अगर आप कॉपी पे क्लिक करोगे तो ये ऑब्जेक्ट तो होगा ही होगा प्लस एक नया ऑब्जेक्ट इसके राउंड 200% पे आ जाएगा। ये आ गया, अब वो दूसरा ऑब्जेक्ट किधर गया, वो बिहाइंड है, लेयर्स में जाकर देख सकते हो। वजह उसकी क्या है, फिल है, फिल इसकी अगर ऑफ कर दो तो जरूर दिखाई देगा। अगर आप फिल इसकी ऑफ कर दो, जैसे मैं फिल ऑफ कर देता हूं, ये देखो फिल ऑब्जेक्ट था ना, अगर आप फिल ना होता तो आपको वैसे दिखाई देता। मिसाल के तौर पे ये अब करंटली ये वाला ऑब्जेक्ट है, बिग वन, बिग स्क्वेयर, जो कि इसका डबल है। डबल इसलिए है क्योंकि आपने 200 कहा था उसको, कि इसका 200% कर दो तो डबल कर दिया इसने। ठीक है, और इसी तरह दोबारा से देखो, अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को जो करंट राइट वन दिस वन ये ऊपर वाला
ये मैंने यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके दिखा दिया। इसका अगर आपने 50% करना हो, इसका 50% करना हो आप कर सकते हो, इसका 100% 200% करना हो वो भी कर सकते हो। करते किस तरह है, आप इस ऑप्शन के ऊपर जाते हो, डबल क्लिक करते हो, आपको बॉक्स आ जाता है। अब बॉक्स आने के बाद आप इसको अगर 50% तक लेके आना चाहो 50% कर लो, यूनिफॉर्म कॉपी, ठीक है, तो उसका उसने ऑब्जेक्ट यहां पे क्रिएट कर दिया। ये असल में उसका 50% है। अगर इसका मजीद करना है, इसका मजीद कर लेते, ये लो 50%, वो देखो ऑटोमेटिकली आ गया है, कॉपी, ये लो। इसका मजीद करना है, जो लास्ट वैल्यू होती है वो उसी को रिपीट करना शुरू कर देता है, कॉपी 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 एंड सो ऑन। ये देख रहे हो ऑब्जेक्ट इनसाइड ऑब्जेक्ट। ये स्केल का काम क्या होता है कि जो आपका करंट ऑब्जेक्ट होता है उसको उसका परसेंटेज वाइज स्केल अलाउ कर देता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करने लगा हूं कि अगर आपने, ये तो सिंगल ऑब्जेक्ट है ना, अगर मल्टीपल भी हो तो यही सेम रूल, ऑब्जेक्ट बनाया इसकी सेम कॉपी कर लो, फिलिंग इसकी ऑफ है, चले कोई बात नहीं, ये लो। इसको हम सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसकी सेम कॉपी आपको पता है ऑल्ट के साथ आप बना सकते हो, जितनी भी कॉपी बनानी है आप इसकी कॉपीज बना सकते हो, कंट्रोल डी रिपीट करने के लिए। अगर ये आपके पास ऑब्जेक्ट हैं और इनको अगर आप स्केल करना चाह रहे हो, जैसे ही आप स्केल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप स्केल पे क्लिक करोगे एक पिवट पॉइंट आ जाएगा, क्लिक सिंगल किया अभी मैंने, ये वो पॉइंट, इन 7 ऑब्जेक्ट का सेंटर ये है। अगर आप इसको स्केल की जो पिवट पॉइंट है इसको यहां मूव करना चाह रहे हो, इस कॉर्नर पे या नीचे वाले या ऊपर वाले पे, तो यहां आके आपने ऑल्ट के साथ क्या ऑल्ट के साथ क्लिक करना है, ठीक है, तो ये आपके नई लोकेशन पे भी आ गया और लास्ट जो सेटिंग थी उसके मुताबिक उसने 50% भी कर दिया। अगर आप इसको डबल करना चाह रहे हो 100 कर, ये कॉपी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स आपके यहां पे प्लेसमेंट। फिर दोबारा से देखो, पिवट अब आपका ये है, इसके ऊपर ये इसका साइज बड़ा कर रहा है, इस पॉइंट के अराउंड, ठीक है, पहले सेंटर पॉइंट के राउंड साइज बड़ा हो रहा था, अब पिवट पॉइंट आपने यहां पे रीलोकेट कर दिया, अब इसके मुताबिक कर, ये देखो इसका 150 करते हैं, 200 नहीं कर रहा, 150 कर रहा हूं, ठीक है, ये तो उस पिवट पॉइंट को आपने कंट्रोल करना है, मूव करना है। अब ये देखो वेरी सिंपल, आपने सबको सिलेक्ट किया, नंबर 1, नंबर 2, चले इसको फिल भी कर लेते हैं, इसको बल्कि फिल ही कर देता हूं, ये फेल है, ठीक है। और अगर आप इसको स्केल करना चाह रहे हो रेलेवेंट टू विच वन, आप यहां पे क्लिक करो पिवट की वैल्यूज को, जो कि सेंटर में आपको एक पर्पल नजर आ रहा है, इसको जिस पॉइंट में आप रीलोकेट करना चाहो कर सकते हो, ये पॉइंट हो जाएगा फिक्स, सीधी सी बात है ऑल्ट के साथ। और आगे आपने जितना परसेंट उसको छोटा करना है या बड़ा करना है या नॉन यूनिफॉर्म करना है, नॉन यूनिफॉर्म कर लेते हैं इस बार, ये 100 ही रहे और हाइट जो है 150 कर लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉपी, ये लो। और अगर आप इनको मूव कर लो तो आपको वाजे नजर आएगा, क्योंकि पॉइंट ये वाला था ना कॉर्नर, तो उसी ऊपर उसने लेंथ में एक नई कॉपी क्रिएट कर दी। तो जब कभी आपको ये करना हो एक्शन, मिसाल के तौर पे आपने जितने भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होंगे उसका पिवट बताना होगा, पिवट राइट नाउ इज सेंटर। अब आपकी मर्जी है कि पिवट को कहां पे प्लेस करना चाह रहे हो, उसके मुताबिक वो उतना स्केल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आप करवा सकते हो, ठीक है। अगर मैं कहता हूं इस पॉइंट के राउंड कर लें या इस पॉइंट के राउंड कर लें, यहां कर लो या यहां कर लो, पिवट इधर मूव कर लो, ठीक है, इधर भी कर सकते हो ऑल के साथ, ठीक है, ये मैंने यहां पे मूव कर दिया। और 50% करना है इसके मुताबिक 50 कर दो, ये लो,
और इसको 150 करना है ये लो, या इसको भी 50 करना है ये लो, दोनों 50-50। जो वैल्यू दी उसके मुताबिक, उस पॉइंट के मुताबिक वो उसको साइज स्मॉल कर रहे हैं या साइज बड़ा कर रहे हैं, ये आपकी मर्जी है। अगर आप इसको डिफरेंट वैल्यूज के साथ जाना चाहो अब जा सकते हो, ठीक है। अगर आपने इसको 100 पे लेके आना 100 कर लो, और जब आप साइड वाले पे बॉक्स पे क्लिक करोगे ना तो विड्थ देखो हो चुकी है, हाइट भी करनी है हाइट भी कर लेते हैं, कितनी 200 कर दो ये लो। और कॉपी क्रिएट करनी कॉपी क्रिएट कर दो, तो कॉपी आपकी उसने क्रिएट कर दी उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, उस पोजीशन के हिसाब से वो। बाकी इसको मूव करना है बाद में, जो भी करना है वो तो आप कर ही लोगे। तो इसका मतलब है आप अपने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के बाद उतना स्केल जितना आप चाहोगे उसको यूनिफॉर्म करना है यूनिफॉर्म कर लो, और अगर आपने उसको चाह रहे हो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलग अलग वैल्यूज देनी वो भी दे सकते हो। एक और एग्जांपल, जरूरी नहीं हमने ये, हम कुछ और कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये मैंने सर्कल बनाया, ठीक है, और इसको मैं फिल नन कर देता हूँ और ताकि आपको दिखाई दे, जब मैं इसको स्केल अप डाउन करूँ आपको समझ आए। तो ये आपने जब एक सर्कल बना लिया है, और सर्कल बनाने के बाद आपने इसके पिवट को मूव करना है तो सिंगल क्लिक, पिवट हमेशा सेंटर में होता है। अगर आप चाह रहे हो कि इससे बड़ा या इससे छोटा सर्कल बनाना अपना सकते हो, और अगर आप चाह रहे हो कि इसको इस पॉइंट के अराउंड लेके आए तो पॉइंट यहां पे लाने के लिए ऑल्ट क्लिक कर देना, ठीक है, पॉइंट को आप उसके मुताबिक कर दीजिएगा। और अगर आपको सेम चाहिए था, क्योंकि लास्ट वैल्यू जो होती है ना वही उसको अप्लाई कर देता है, 100 मतलब नॉर्मल इस वक्त जितना भी है इस वक्त वो 100 है। अगर आप चाह रहे हो इससे थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए, 90% कर देते हैं इसको भी, और 90% मतलब 10% दोनों को कम कर दिया। ओरिजिनल भी चाहिए बिल्कुल चाहिए, कॉपी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, बार बार थोड़ी करना है वहीं पे, उस स्टेप को रिपीट करवा लो। तो किस तरह आपका इलस्ट्रेटर आपको अलाउ करता है स्केल के साथ कि अगर आप करना चाहो तो बड़ा अच्छे तरीके से इसको यूज करते हुए अपनी शेप्स को प्रोड्यूस कर सकते हो। और अगर आप इसको अलग अलग कलर भी देना चाहो तो वो तो आपको मैंने बताया हुआ है कि आपने इसको अगर आप शेप बिल्डर के साथ इसको सेट करना चाहो शेप को कर सकते हो। शेप बिल्डर यूज कर लो, लाइव पेंट बकेट यूज कर लो, शेप बिल्डर कौन कौन सी शेप निकाल लो ये वाली, कलर रखने हैं कलर रख देते हैं, मसला कोई नहीं, इसके साथ ही आपके पास ऑप्शन थी। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि कैसे करना है, ठीक है, इसको अपनी जरूरत के मुताबिक आप इसको कर लीजिएगा, जैसे आप मुनासिब समझो इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसी तरह ये भी है, ये देख रहे हो डिटेल है पूरी। तो जब जो चीज आपको बनानी पड़ जाए अगर, तो ये एक अच्छा वे है जिसके थ्रू आप अपने शेप्स को स्केल कर सकते हो, छोटा और बड़ा जो भी आप मुनासिब समझो। तो ये जिस तरह एक ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया और इसको अब साइज छोटा कर रहा हूं या साइज बड़ा कर रहा हूं, ठीक है, साइज छोटा कर रहा हूं या साइज बड़ा कर रहा हूं, इसकी वेट को चेक करो, वेट चेक करो इसका, वन क्या है, वन, छोटे पे भी वन, साइज बड़ा करें तो भी वन, ये क्या रीजन है? आपने एक प्रॉपर्टी इसकी टच नहीं की, वो कर लेते जिसको कहते हैं स्केल, वो मैंने वैसे भी आपको बताई थी, अलग से भी दोबारा से समझा देता हूं। आपने जब कभी कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, मिसाल के तौर पे चले रेक्टेंगल, ये मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है, स्क्वेयर बनाना है स्क्वेयर बना दो, रेक्टेंगल बनाना है रेक्टेंगल बना दो, और यहाँ पे इसको डिफॉल्ट कर लेते हैं, या इसका चलें इसको ऑफ कर देता हूँ फेल को ताकि आपको दिखाई दे। अब ये देखो, अगर मैं कहूँ कि मुझे यहाँ पे रेक्टेंगल्स ही रेक्टेंगल चाहिए, छोटा साइज होते 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 इस तरफ चला जाए या इस तरफ चला जाए या इस तरफ चला जाए या इस तरफ चला जाए, यू हैव टू गो विद स्केल, चेंज पिवट लोकेशन फ्रॉम सेंटर टूवर्ड्स दिस पॉइंट, लेकिन ऑल्ट के साथ क्लिक, देन यू हैव दिस बॉक्स। ये सेम वही स्टूडेंट्स रूल है जो रोटेट के लिए
और रिफ्लेक्ट के लिए था, सेम सेम पिवट की मूवमेंट। और ये आपने 90% करना है, 80% करना है, जितना भी करना है, ये इक्वली करना है वो भी कर सकते हो, नॉन इक्वल करना है वो भी कर सकते हो। इक्वल करने के लिए राइट ऑप्शन इज दिस वन, नॉन इक्वल करने के लिए ये नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। और जहां तक बात है कि इसके कॉर्नर्स को, कॉर्नर तो है नहीं इसका, ठीक है, कॉर्नर खासतौर पर राउंड होता तो आपको इसका भी इफेक्ट दिखा पाता। चले करते हैं, बल्कि इसको शेप को सिलेक्ट किया, कॉर्नर आपको पता है राउंड कर सकते हो, चारों करने हैं चारों भी कर सकते हो, सिर्फ दो करने हो दो भी कर सकते हैं, अगर दो करने हो तो शेप के साथ। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। और अगर इसकी स्केल करनी हो, कॉपीज बनानी हो और साइज में छोटी या बड़ी प्रोड्यूस करनी हो, कट लेते हैं अभी। अब इसके कॉर्नर्स के ऊपर भी आप एक्शन होते हुए देखोगे, और दूसरा इसकी स्ट्रोक वैल्यू को भी आप कम ज्यादा होते हुए देख सकते हो। मिसाल के तौर पर इसमें 2 पॉइंट दे देता हूं, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये एक ऑब्जेक्ट है, स्केल टूल को यूज कर रहा हूं, दिस वन। सबसे पहले सिंगल क्लिक करो टू मूव द पिवट फ्रॉम हियर टू वेयर, आपकी मर्जी है, यहां रखना चाह रहे हो यहां रख लो। कॉर्नर्स के ऊपर इसकी इस डायरेक्शन में जाना है साइज को, या इस डायरेक्शन में ऊपर वाली जहां जाना है, मिसाल के तौर पर बॉटम वाली डायरेक्शन पे जाके यहां पे ऑल्ट के साथ क्लिक कर देता हूं। आपने देखा कि फौरन से पहले उसने 10% कट डाल के उसको साइज कर दिया, क्योंकि लास्ट टाइम आपने ये दिया था, इस वजह से। अगर आपको ये पसंद है इसके साथ ही जाना है जा सकते हो, लेकिन ये आप ऑन कर दो, इफेक्ट्स स्केल स्ट्रोक एंड स्केल कॉर्नर। अगर ये नहीं करोगे तो क्या होगा, लाजम है जब साइज छोटा होगा तो ये राउंड जो है ये छोटा नहीं होगा, ये वाला छोटे से छोटे पे जब जाते जाओगे ये राउंड एक लंबा सा राउंड बन जाएगा, ये स्ट्रेटनेस नजर ही नहीं आएगी। क्यों, आपने स्केल नहीं ऑन किया कॉर्नर्स का। ये करके देखिएगा, अभी मैं ऑन कर देता हूं। और दूसरा इसका वेट, इसका वेट है 2 पॉइंट, स्केल इसको भी कर देते हैं कॉपी, ये लो और कंट्रोल डी। अब आपको समझ आ रही है कि कॉर्नर्स को राउंड करने का अब क्या मतलब था स्केल। दूसरा स्ट्रोक चेक करो, क्या स्ट्रोक की वेट भी कम होता है छोटे होने पे। समझ आ रही है, एक छोटी सी ऑप्शन ने कमाल कर दिया। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को नहीं करते तो जो वेट आपको ये पड़ेगा नजर आ रहा ना, वही वेट इधर अगर होगा कितना बुरा लगेगा है? और जो कॉर्नर की शेप यहां पे छोटी सी बनी हुई है छोटी शेप के साथ, तो बड़ी किस शेप के साथ, बड़ी बनी हुई है। अगर ऐसा ना होता इफेक्ट्स, अगर ये आप ऑन नहीं करते तो जब आप उसकी कॉपी प्रोड्यूस करते छोटी की तरफ या बड़ी की तरफ, वो बहुत बुरा सा इंप्रेशन आता, आपका इमेज इतना अच्छा उसकी लुक अच्छी ना निकलती। तो ये देख रहे हो, इस तरह आप डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स बना सकते हो यूजिंग दिस टूल, नेम इज स्केल टूल। तो स्केल टूल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, कि आपने पॉइंट की पोजीशन को रीलोकेट किया। नंबर टू, पॉइंट की पोजीशन रीलोकेट करने के बाद आपने स्केल के ऊपर उस, बल्कि जब रीलोकेट करेंगे तभी बॉक्स आ जाता है। अगर आप पहले प्रॉपर्टी सेट करना चाहो स्टूडेंट्स, अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने से पहले प्रॉपर्टी सेट करना चाहो स्केल की, जो कि ये टूल है, इसको डबल क्लिक कर दिया करो, पहले प्रॉपर्टी बता दो क्या आप चाह रहे हो कि जब नया ऑब्जेक्ट बने वो कितना बड़ा उससे बने या कितना छोटा बने। अगर आप कहते हो कि जो ऑब्जेक्ट बने वो, जो नया ऑब्जेक्ट बने वो बड़ा बनना चाहिए, तो इसको कर दो 110। 110 का मतलब एक सर्कल लगाऊंगा ना, जैसे ही नया सर्कल को स्केल की ऑप्शन के साथ जाऊंगा वो 10 गुना बड़ा होगा उससे, पिछले से 10 गुना बड़ा, पिछले से 10 गुना बड़ा। क्यों, कि आपने उसकी विड्थ और हाइट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपने 110 कह दिया। अगर आप इसको डिफरेंट डिफरेंट रखना चाह रहे हो, इसको 110 रखना है हॉरिजॉन्टली और इसको आपने और उससे भी ज्यादा करना है या कम करना है, कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। विड्थ और हाइट अलग अलग भी हो सकती है, अगर सेम रखनी है तो ये ले लो। ये आपने पहले बता दिया,
दूसरा आपने इन दोनों ऑप्शंस को भी ऑन कर दिया। स्केल कॉर्नर का सर्कल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, स्केल कॉर्नर का ताल्लुक है पॉलीगॉन के साथ जहां आपके एजेस होती हैं शार्प। कॉर्नर जहां होंगे, सीधी सी बात है, सर्कल का तो कॉर्नर होता नहीं है, तो ये कॉर्नर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। जब छोटी से बड़ी की तरफ जाएगा कॉर्नर उतना ही राउंड हो जाएगा, जिस तरह ये आपको करके दिखा रहा हूं। और इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रोक, स्ट्रोक इसका छोटा है, इससे इसका बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये भी ऑन किया हुआ है। और ओके कर देते हैं और अब एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। जैसे ही मैंने नया ऑब्जेक्ट बनाया, अब आप अगर कहते हो मैं पॉलीगॉन बना देता हूँ, चले पॉलीगॉन ही बनाते हैं, ये लो पॉलीगॉन बनाया, ये एक मैंने पॉलीगॉन बना दिया। अब मुझे बताओ जो नया ऑब्जेक्ट बनना है, इस पॉलीगॉन की अगर आप स्ट्रोक वैल्यू देखो, स्ट्रोक वैल्यू को मैं कर देता हूं मिसाल के तौर पे 0.5, ठीक है, स्ट्रोक की वैल्यू मैंने 0.5 कर दी। फिल इसकी कोई नहीं है, ये दिख रही है, स्ट्रोक ब्लैक है, ये दिख रहा है, टूल का नाम है ये स्केल, इसको मैं बाहर ले आया, ये आ गया, ठीक है। अब इससे होता क्या है, अगर आप गौर करो, जैसे ही आपने स्केल पे क्लिक किया है, एक पिवट पॉइंट आ गया, ये वाला पर्पल कलर का। अब इस पिवट पॉइंट के अराउंड आपने नई शेप को क्रिएट करवाना है, करवाना है, करवाना है, या इसको मूव करके यहां पे लेके आना है, यहां पे लेके आना है, आपकी मर्जी। मिसाल के तौर पर मैं यहां रख लेता हूं, या इधर ही रखना है, इधर भी रख सकते हो, ऑल्ट के साथ क्लिक इधर ही कर दो। अगर नई लोकेशन पे जाना है तो यहां आओ, ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो, मूव हो जाएगा पिवट। अब मूव भी हुआ और 10% बढ़ भी गया, क्योंकि आपने सेटिंग की थी 10%, तो 10% बढ़ भी गया। और जैसे कॉपी पे क्लिक करते हो, ओरिजिनल भी आएगा और ये भी रह जाएगा जो अभी दिख रहा है। जब ये हो गया है स्टूडेंट्स, अगला काम डुप्लीकेट, कंट्रोल डी, और यहां भी आपको दिख रहा होगा स्ट्रोक स्केल। अगर आपने चेकबॉक्स ऑन ना किया होता तो जो इसकी विड्थ है वही आखिरी वाले की भी विड्थ होती, वेट जिसे बोलते हैं, स्ट्रोक अंडू करते हैं। और अगर आपने कॉर्नर्स पे काम करना है, आपको पता है कॉर्नर्स यहां से आप इसको शार्प से राउंड में लेके जा सकते हो, इकट्ठे करने इकट्ठे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ये सारे एक जैसे हो गए। और अगर आपने किसी स्पेसिफिक कॉर्नर पे काम करना है तो लाजमी होता है इसमें आपके सारे के सारे कॉर्नर्स इकट्ठे ही पॉलीगॉन साफ है, चूंकि आपका पॉलीगॉन में जस्ट एक आपको प्रोवाइड करता है इसको जस्ट राउंड करने के लिए, ठीक है, एक ही है, ये यहां से आप कर लेना, आपने मुनासिब सा कर लो, इतना कर दिया, ठीक है। अब आप देखना जैसे ही इसका नया वर्जन आएगा इसके ऊपर, स्केल 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 स्केल, कॉर्नर्स भी राउंड होंगे, ठीक है, प्लस इसकी स्ट्रोक का वेट, राइट नाउ स्ट्रोक वेट इज 0.5। ले जी जनाब, क्लिक किया, ये है पिवट पॉइंट, पिवट पॉइंट को इधर ही रखूं या किसी नई लोकेशन पे लेके जाना है, मिसाल के तौर पे मैं इधर रखना चाह रहा हूं, पिवट पॉइंट को मैं ऑल्ट के साथ मूव करके यहां ले आया। जैसे लेके आया 10% इंक्रीज भी हुआ, स्केल कॉर्नर्स को ऑन रखना, स्केल स्ट्रोक्स को भी ऑन रखना, कॉपी, ये लो, कंट्रोल डी टू रिपीट। जो आपने पिवट पॉइंट दिया था उसके अकॉर्डिंगली उसने रिस्पॉन्ड किया और आपका ऑब्जेक्ट की कॉपीज कंट्रोल डी से प्रोड्यूस हुई, ये स्केल की वजह से हुई। ये स्केल अगर आपको बड़ा नजर आ रहा है, वो स्केल चेकबॉक्स की वजह से बड़ा नजर आ रहा है। अगर ये कॉर्नर राउंड छोटे, देखो इसका राउंड कम है, इसका बढ़ गया, स्केल हो गया और बड़ा, स्केल हो गया और कॉर्नर, स्केल हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट, जब ये ऑब्जेक्ट बन जाए स्टूडेंट्स, आप इसके ऊपर अगर शेप बिल्डर यूज करना चाहो, फिल करके कुछ आप इल्यूजन देना चाहो, आप दे सकते हो, वो तो हमने टूल सीखा ही हुआ है, ठीक है, इसको आप यूज कर लेना जहां मुनासिब समझो, जैसे जैसे कलर्स इसके अंदर रखना चाहो आप रख लीजिएगा। सबसे पहले आपने सिलेक्ट करना होगा सबको, ठीक है, सिलेक्ट सबको कर लेना, इस वक्त सिलेक्ट है सिर्फ आखिरी वाला, इस वजह से नहीं हुआ, ठीक है, सिलेक्ट सबसे पहले इनको कर लीजिएगा, सारे ऑब्जेक्ट जो आपकी इस रेंज में आ गए हैं। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप शेप बिल्डर के साथ इसको शेप देना चाहो, शेप भी दे सकते हो, पेंट करना चाहो पेंट भी कर सकते हो, शेप बिल्डर आपको पता ही है, जो जो चीज नहीं चाहिए बाउंड्री खत्म कर दो।
तो और बाकी जहां तक इसका कलर का ताल्लुक है, कलर पेंट कर लो, बकेट बकेट से भी कर सकते हैं। वैसे फिलहाल मैं आपको लाइव पेंट बकेट, जिस एरिया में जो कलर आपको रिक्वायर्ड है वो फिल करवा दो, जो कलर जहां रिक्वायर्ड है वो फिल करवा दो, दैट्स इट। तो कुछ भी आपने स्केल के टूल को यूज करते हुए अगर इस तरह का आपने आउटपुट रिक्वायर्ड है, स्केल करना रिक्वायर्ड है, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। अगर आप यूज करना चाहो तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट चीज, ये स्केल के बारे में था। और स्केल के बारे में एक चीज और आपको बता दूं कि आप स्केल इस तरह भी कर सकते हो कि ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, मिसाल के तौर पर चलिए रेक्टेंगल ही ले लेता हूं या स्क्वायर ले लेता हूं। इसको अगर आप यूजिंग दिस टूल जिसका नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, आप इनके एंकर्स को भी इस तरह सिलेक्ट कर सकते हो और यहां से आप स्केल को क्लिक करके पॉइंट प्रोड्यूस कर सकते हो। ये सेंटर में आ गया, ठीक है। और अब आप अगर चाहो तो यहां से भी स्केल किया जा सकता है, ऐसे उस पॉइंट के अराउंड स्केल हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये ऐसे। इसका मतलब अगर आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट चाहिए हो, कोई ऐसी चीज चाहिए हो जिसमें आपको रिक्वायर्ड है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर स्केल करना, एक तो मैंने थ्रू बॉक्स और उसकी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करके दिखाया, अब मैं वैसे करके दिखा रहा हूं स्केल का इस्तेमाल। ये ले जी, ये आपके पास एक सिंपल सा बॉक्स आ गया, इसका फिल मैंने ब्लैक कर दिया और स्ट्रोक इज ऑफ कर दिया, इसकी कॉपीज प्रोड्यूस कर देते हैं। ले जी ये कॉपीज, इसकी ये आ गई, कंट्रोल डी किया या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आ गए, इन सबको सिलेक्ट किया, और बल्कि सिलेक्ट क्या करना है, इसको हम डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ सिलेक्ट करते हैं, ये वाला ऊपर वाला, इसके सिर्फ ऊपर वाले एंकर सिलेक्ट है, नीचे वाले नहीं है, ठीक है। स्केल पे क्लिक कर दो, पिवट आ गया सेंटर में, ठीक है। यहां से कॉर्नर पे चले जाओ या दूसरे कॉर्नर पे चले जाओ और ये देखो स्केल डाउन स्केल अप, स्केल डाउन स्केल अप, अंडू कर देते हैं। अगर इस पिवट पॉइंट को यहां से उठाकर यहां रखना है, यहां रख लो ऑल्ट के साथ, ठीक है, ऑल्ट के साथ, और फिर आप चेक करो, देख रहे हो उस पॉइंट के अराउंड। इसका मतलब क्या नीचे वालों को भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगेन सेलेक्ट बॉटम वन, ठीक है, सिलेक्ट एंकर्स ऑफ बॉटम वन, देन स्केल, ये है जी इसका पिवट, ये वाला हमेशा सेंटर में आता है सिलेक्शन के। इसको इधर रखना है, इधर रख दो, इधर रखना है, इधर रख दो, या जहां रखना चाहो आप रख दो, और ये लो स्केल उस पॉइंट के ऊपर, स्केल डाउन और उस पॉइंट के ऊपर स्केल अप। कभी आपको इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट इल्यूजन क्रिएट करना हो इन इलस्ट्रेटर, यू कैन डू इट, स्केल, ठीक है। ये स्केल का मैंने आपको बता दिया, अच्छा टूल है। अगर आप इस्तेमाल करके इस तरह के कोई इफेक्ट्स क्रिएट करना चाहो अपने आर्टबोर्ड के ऊपर, ये करना आपके लिए काफी आसान है। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना लो, उनके ऊपर स्केल कर लो, टेंशन ही कोई नहीं है। तो मैंने अभी सिंगल ऑब्जेक्ट भी करके दिखा दिया, मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी करके दिखा दिया, ये मैंने रेक्टेंगल लिया, कोई और करके देख लो। तो ये आपको एंकर्स अगर आपने सिलेक्ट किए होंगे तो एंकर्स के हिसाब से स्केल होगा, पूरा ऑब्जेक्ट अगर सिलेक्ट किया तो पूरे ऑब्जेक्ट के हिसाब से स्केल अप डाउन होगा, और अराउंड योर पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट के लिए याद रखना वो ही रूल है जो रिफ्लेक्ट के लिए था और दूसरा रोटेट के लिए था, ऑल्ट के साथ मूवमेंट पिवट की होती है, जैसे होती है तो आपका वो बॉक्स पे आ जाता है, वैल्यूज आप वहां पे देखे उसको पॉपुलेट कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट स्केल। अच्छा, स्केल के अलावा आपके पास बिल्कुल बराबर वाला टूल है, इसका नाम है शियर। ये शियर करता है, शियर मतलब स्लांट करता है, स्लांट मतलब टिल्ट करता है, एक ऑब्जेक्ट हो या 100 हो, जैसे ही ऑब्जेक्ट है, इसकी मैं स्ट्रोक को ऑन कर देता हूं और फिल को ऑफ कर देता हूं। ये देखो इसके ऊपर जैसे मैं शियर का बटन एक्टिवेट करता हूं, इसमें भी आपका पिवट पॉइंट मौजूद, और यहां से आप इसको शियर ऐसे ऐसे उसके राउंड कर सकते हो, ये शियर होता है, ठीक है। सिंगल को करना हो वो भी पॉसिबल था। अच्छा, सिंगल करना हो ना अगर अकेला बॉक्स विदाउट शेयर भी हो जाता है, शेयर यूज जरूरी नहीं करना ही करना है। ये देखो ये अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है और अगर आप इसको करना चाह रहे हो, शेयर करना चाह रहे हो, आप यहां से भी कर सकते थे,
डायरेक्ट सिलेक्शन से, इन दोनों को सिलेक्ट करके। ये शेयर तो ऐसे भी हो रहा है, ऑब्जेक्ट को इस शेप में लेके आना, इसे बोलते शेयर करना, स्लांट करना, ये तो हो जाता है। सिंगल को तो वैसे ही आप डायरेक्ट सिलेक्शन से ही कर सकते हो विदाउट यूजिंग दिस वन। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं और उस पर आपको शेयर इफेक्ट देने हैं तो क्या करो, मिसाल के तौर पे ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, काफी सारे हैं, ठीक है, और इनको अगर आपको शेयर करना हो तो कैसे करना है। शेयर ऑप्शन इनके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकोगे जिस तरह आपने सिंपल एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे की थी, वो यहां पे नहीं चलेगी फिर, ठीक है। उसके लिए फिर शेयर आपको हेल्प करेगा, कंट्रोल डी। सिलेक्ट करो कंट्रोल डी, ये आपके पास कुछ इस तरह का सीन है। इनको अगर आप सिलेक्ट करके, अगर मैं इसके थ्रू करना चाहूंगा नहीं होगा काम, वो सिंगल ऑब्जेक्ट की हद तक ठीक था, ठीक है। अगर ऊपर वाले को सिलेक्ट करोगे तो लाजमी बात है सिर्फ ऊपर वाले ही आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, सारे तो नहीं हो रहे ना इकट्ठे, ठीक है। शेयर हो रहा है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी हो रहे हैं, अगर इस तरह की शेप बनानी हो अब बना सकते हो। इनके अंदर फर्दर आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो आपको रिक्वायर्ड है वो आप इसको कर सकते हो। इस तरह का कोई डिजाइन, कोई अपनी क्रिएटिविटी, कोई अपने एक्शन करके देखना हो कर सकते हो, वो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये आपने काइंड ऑफ शेयर किया, टिल्ट किया, स्लांट किया, लेकिन इकट्ठे अगर आपने करने हो तो उसके लिए क्या करना है, अंडू करता हूं। अगर सबको आपने टिल्ट करना हो एक ही गो में तो यहां भी आपको ये ऑप्शन इज सूटेबल फॉर यू, शेयर टूल क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद पिवट ये है, ये वाला, ठीक है, सेंटर में है इस वक्त, यही रखना, यही रख लो, ये लो, उस पॉइंट के राउंड सारे क्या हो रहे हैं, टिल्ट हो रहे हैं, स्लांट हो रहे हैं, शियर हो रहे हैं। अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हो, इंडिविजुअल को करना वो मसला कोई नहीं, ग्रुप आपके पास अबव वाला, बिलो वाला, या लेफ्ट वाला, राइट वाला करना हो कर सकते हो, सारों को नहीं कर पाओगे, सारों के लिए फिर इस टूल के साथ जाना पड़ेगा, शेयर टूल, ठीक है। इसका काम ही यही है, शेयर करना। तो ये अगर आप कभी अपने इलस्ट्रेटर में इसका इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकते हो। शेयर के बाद एक और आसान सा टूल है, रीशेप करना। कुछ भी आपके पास बना हो और अगर आप उसको रीशेप करना चाहो तो कैसे होता है, मिसाल के तौर पे ये एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट है, अगर आप इसको रीशेप करना चाहो तो कैसे होगा ये रीशेप। रीशेप करने के लिए आज से पहले अगर ये टूल ना हो तो आप क्या करें, आप ये करोगे, यहाँ पे एक प्रोड्यूस करोगे एंकर, और यहाँ पे फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट किया जाएगा, और इस एंकर को आप जैसे जाके इसको शेप दे सकते हो। और अगर आप इस शेप को वो करना चाहो राउंड तो आपके पास टूल है, ये कर लो। शार्प करना है या राउंड करना है आपकी मर्जी, शेप वो भी चेंज। काफी आपको इस तरह का एक्शन करने के लिए आपने पेन टूल को भी यूज किया, फिर एंकर प्रोड्यूस किया, फिर उस एंकर के ऊपर वर्क करके इसको रीशेप किया। क्या था क्या ये, एक रेक्टेंगल था जिसको रीशेप किया, ठीक है। अगर इसकी बजाय एक रेक्टेंगल आपने बनाया, इसकी बजाय अगर आप रीशेप टूल को यूज करना चाहो तो रीशेप आपने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जिस जगह पे आपको चेंज रिक्वायर्ड है वहां पे, एंकर रिक्वायर्ड है वहां पे क्लिक कर दो, क्लिक कर दो, वहां पे इधर कर दो, उधर कर दो, जहां करना कर दो, ये क्लिक कर दिया। इसको अब आपने करना है सिलेक्ट यूजिंग डायरेक्ट सिलेक्शन, ताकि ये वाला पाथ, ये पाथ है पूरा, ये वाला पाथ सिलेक्ट हो ऐसे। जब ये हो गया है तो ये अब आपका रीशेप हो जाएगा, काम वही हुआ है, तरीका डिफरेंट था, रीशेप के साथ काम वही हुआ है, उसमें पेन टूल यूज किया, फिर एंकर प्रोड्यूस किया, फिर उस एंकर के ऊपर उसको राउंड में या जो भी करना है वो करके आप डायरेक्ट सिलेक्शन से शेप दे सकते हो। अच्छा, इससे अब फायदा क्या हो गया कि अब आप इसको जिस पॉइंट के ऊपर भी जाओगे वहां से रीशेप करने में आसान।
रीशेप का काम ही रीशेप है, अब आप इसको जैसे भी करना चाहो। देख रहे हो कितना आपके लिए आसानी हो गई है रीशेप से। ये जो भी शेप देना चाहो जस्ट पॉइंट पे जाओ और उस पॉइंट को आप अपनी मर्जी से रीशेप कर सकते। एक रेक्टेंगल थी उसको आपने इस तरह रीशेप कर दिया, ठीक है। तो ये रीशेप का काम है। और अगर आपके पास रीशेप ना हो तो अल्टरनेट है, वो है पेन टूल के साथ एंकर्स प्रोड्यूस करना, फिर उसके ऊपर जाके डायरेक्ट सेक्शन से उसको रीशेप करना, वो तो जाएगा। लेकिन ये एक सिंपल वे है जिसके थ्रू ना सिर्फ एंकर बल्कि आपको अलाउ कर देता है कि उसको रीशेप भी कर दो ऑब्जेक्ट को, जो कि एक रेक्टेंगल था, ठीक है। इस तरह बाकी भी सब टूल्स पे ऐसे ही चलेगा जो भी आप यूज़ करना चाहो।